मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण के दौरान एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके ऊपर अचानक से एक जूता आ गिरता है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और इसी दौरान भीड़ में से कोई शख्स उन पर जूता फेंक देता है और तुरंत ही उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें कवर कर लेते हैं। दरअसल ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग हजारों की तादाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो 3 सितंबर 2018 का है, यानी कि 5 साल पुराना वीडियो है जो कि अब सर्कुलेट किया जा रहा है। ये वीडियो 3 सितंबर 2018 का है, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान एक रैली को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान कोई उन पर जूते फेंक देता है, उन पर पत्थरों से भी हमला किया जाता है और चप्पलों से भी हमला किया जाता है। और ये खबर उस वक्त उस दौर में काफी उठी और तमाम न्यूज चैनल्स पर ये खबर दिखाई दी। लेकिन अब ये वीडियो फिर से रिसर्कुलेट किया जा रहा है। तो चुनाव नजदीक है, हम सब जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसी को लेकर अब लोग जो हैं उनका ये कहना है कि चुनाव का समय जो है वो नजदीक है, तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। वीडियोस की सच्चाई को पता करना जरूरी है, ये पता करना जरूरी है कि ये वीडियो जो शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो कितना उसमें सच्चाई है और कितना झूठ।